हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेबी रॉकर और बाउंसर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बेबी रॉकर या बाउंसर यूज़ करते टाइम आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसके अलावा मैंने अपनी डॉटर के लिए कौन सा बेबी रॉकर और कौन सा बेबी बाउंसर यूज़ किया और मेरे हिसाब से दोनों में से ज़्यादा क्या हेल्पफुल रहा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेबी रॉकर और बेबी बाउंसर में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो बेबी बाउंसर होता है उसे डिज़ाइन किया जाता है बेबी के प्ले टाइम के लिए, और जो बेबी रॉकर होता है वो बेबी के नैप टाइम के लिए। यानी कि जब आपका बेबी नैप ले रहा हो तब आप बेबी रॉकर यूज़ कर सकते हैं, और जब आप अपने बेबी को प्ले टाइम देना चाहते हैं तब आपको बेबी बाउंसर यूज़ करना चाहिए। सेकेंड डिफरेंस है बेबी की एज रिलेटेड। तो जो बेबी रॉकर्स होते हैं ये आप न्यूबॉर्न बेबीज़ यानी कि 0 मंथ ओल्ड बेबीज से यूज़ कर सकते हैं। जो बेबी बाउंसर्स होते हैं वो आप तब यूज़ कर सकते हैं जब बेबी एटलीस्ट 6 मंथ का हो जाए, यानी कि जब बेबी का थोड़ा नेक सपोर्ट आने लग जाए, यानी कि जब वो अपने नेक को होल्ड करने लग जाए। तो मैं आपको ये जेनरिक एज लिमिट्स बता रही हूँ फॉर बेबी बाउंसर एंड बेबी रॉकर्स। जब भी आप कोई बेबी बाउंसर या रॉकर परचेज करते हैं तो उस पर वो किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है ये मेंशन्ड होता है, प्लस उसमें वेट लिमिट भी मेंशन्ड होती है। तो आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है। ये मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन दे रही हूँ। तो जो थर्ड डिफरेंस है वो है मूवमेंट रिलेटेड। बेबी बाउंसर्स का मूवमेंट जो होता है वो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, बेबी रॉकर्स में साइड बाय साइड मूवमेंट होता है, जैसे एक रॉकिंग चेयर का मूवमेंट होता है। तो ये जो रॉकिंग मूवमेंट होता है बेबी रॉकर्स का, यही हेल्प करता है बेबीज़ को सूथ करने में और उनको नैप टाइम में स्लीप करवाने में। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो बेबी बाउंसर्स होते हैं जब बच्चा उसमें प्ले करता है तो वो बच्चे की जो मसल्स होती हैं यानी कि उनकी लेग मसल्स, हैंड मसल्स, उनको स्ट्रॉन्ग करता है और उनको बिल्ड करने में हेल्प करता है। बेबी रॉकर्स का ऐसा कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि बेबी बाउंसर्स जो होते हैं वो थोड़े हैवी ज़्यादा होते हैं, बट इसके साथ साथ वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, कम जगह लेते हैं आपके रूम में। बट क्योंकि ये हैवी होते हैं तो इसलिए इनको मूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बेबी रॉकर्स जो होते हैं ये ज़्यादा जगह लेते हैं आपके रूम में, बट इसके साथ साथ ये थोड़े पोर्टेबल ज़्यादा होते हैं, थोड़े लाइट वेट होते हैं, तो आप इन्हें आसानी से मूव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप अपने बेबी के लिए बेबी रॉकर यूज़ करते हैं या बेबी बाउंसर यूज़ करते हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस यानी कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रिकॉशन है वो ये है कि आप अपने बेबी को इसमें रख करके ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया, आपको टाइम टू टाइम बेबी को चेक करना है, उसे मॉनिटर करना है। आप बेबी को बेबी रॉकर या बाउंसर में रख करके अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो बेबीज़ होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो हमेशा आपको उन पर एक चेक रखना है। दूसरी बात ये है कि बेबी रॉकर्स और बाउंसर्स को हमेशा आप फ्लोर पर रखिए, इनको आप किसी भी एलिवेटेड सरफेस जैसे कि टेबल, बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, इन पे मत रखिए, हमेशा इसे फ्लोर पर ही रखिए। जब आप इसको किसी और एलिवेटेड सर्फेस पर रखते हैं तो ये टिप हो सकते हैं और बेबी का उसमें से गिरने का खतरा होता है, तो इसलिए इनको सिर्फ फ्लोर पर ही रखिए। जब आपका बेबी एक बार सिटिंग या फिर स्टैंडिंग करने लग जाता है उसके बाद आप इनको यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि तब ये डेंजरस हो जाते हैं। फोर्थ ये है कि आप हमेशा जो भी यूज़ कर रहे हैं, रॉकर, बाउंसर या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर जो वेट लिमिट लिखी है उसको फॉलो करिए। जब आपका बेबी उस वेट का हो जाता है तब आप उस टॉय को या उस बाउंसर रॉकर को यूज़ करना बंद कर दीजिए, और हमेशा बेबी रॉकर्स में और बाउंसर्स में बेल्ट हार्नेस, 3-पॉइंट हार्नेस जो होता है वो दिया होता है, आप डेफिनेटली बेबी को उसमें स्ट्रैप करें, उस सेफ्टी हार्नेस को डेफिनेटली यूज़ करें। तो
तो ये थे वो प्रिकॉशंस जो आपको हमेशा माइंड में रखने चाहिए जब भी आप रॉकर्स या बाउंसर्स या इवन स्विंग्स भी अपने बेबी के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने अपनी डॉटर के लिए रॉकर भी यूज़ करा है और बाउंसर भी यूज़ किया है। मैंने दोनों ही फिशर प्राइस ब्रांड के यूज़ करे हैं। मैं उनका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो उन्हें अमेज़ॉन पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप बात करते हैं मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन की, जो बेबी रॉकर्स होते हैं ये मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। मैंने जो बेबी रॉकर था मेरे पास फिशर प्राइस का, उसे मैंने अपनी बेबी के लिए यानी कि मेरी डॉटर जब से न्यूबॉर्न थी तब से यूज़ किया, ऑलमोस्ट जब तक वो 6-7 मंथ्स की हो गई। फिशर प्राइस के रॉकर की ये ख़ास बात है कि अगर आप उसका जो जो स्ट्रैप है जिस पे टॉयज़ हैंग करते हैं अगर आप उसको हटा देते हैं तो वो एज़ अ टॉडलर चेयर भी काम आता है। यानी कि आप एटलीस्ट जब तक आपका बेबी 2 इयर्स 3 इयर्स का हो जाता है तब तक आप उसे एज़ अ टॉडलर चेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बेबी रॉकर एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसके सामने मैंने बेबी बाउंसर भी यूज़ किया है फिशर प्राइस का, बट उसे मैंने यूज़ किया जब मेरी डॉटर अराउंड 6-7 मंथ्स की हुई से लेकर के जब तक वो 10 मंथ्स की हुई। उसने 10 मंथ पर क्रूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि वो लाइक फर्नीचर का सहारा लेकर के बच्चे चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरी डॉटर ने 10 मंथ्स पर वो करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद उसे बेबी बाउंसर में मज़ा नहीं आता था, तो बेबी बाउंसर मैंने अराउंड जब तक वो 6-7 मंथ की थी तब से लेकर के 10 मंथ तक यूज़ किया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको दोनों में से कुछ एक चूज़ करना है तो आप डेफिनेटली बेबी रॉकर को परचेज़ कर सकते हैं। आजकल कुछ ऐसे भी आने लगे हैं जिसमें रॉकर और बाउंसर कंबाइंड होता है, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैंने फिशर प्राइस का ही बेबी रॉकर और बाउंसर यूज़ किया था, तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे मॉम एंड फैमिली में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। आप लोग जब इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय फॉर नाउ।